अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं सोलर स्मैश। सोलर स्मैश में आपका डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जिनको आपने डिस्ट्रॉय करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये प्लैनेट है, ये अंदाज़ा नहीं है कि ये है कहाँ का, और लेकिन ये कि बहुत प्रोटेक्टेड लग रहा है। इसमें फर्स्ट स्टोन फेंका है हम लोगों ने, ये सेकेंड स्टोन जा रहा है, और ये देखो ये तीसरा स्टोन। और मैंने काफ़ी सारे स्टोन फेंक दिया लेकिन इसको असर ही नहीं हो रहा है। ऐसा करें इसकी प्रोटेक्टेड शील्ड है जैसे ना, जो भी चीज़ें जा रही हैं वो उसको हिट तो कर रही हैं और वो स्मैश भी हो रही हैं, लेकिन इसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। पता नहीं उसको अब्जॉर्व कर रहा है ये क्या कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही सेफ और प्रोटेक्टेड किस्म का प्लान लग रहा है मुझे। लेकिन हमारा मिशन ये कि हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो कुछ और ट्राई करता हूँ मैं। अभी मैंने बहुत सारे स्टोन इकट्ठे फेंक के देखे, ये और भी फेंक रहा हूँ बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर हम लोग बॉम्बिंग टाइप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टोन फेंक रहे हैं, लेकिन उसको असर नहीं हो रहा कुछ भी अभी तक। ये देखो मैं इतने ज़्यादा फेंकते जा रहा हूँ, फेंकते जा रहा हूँ, फेंकते जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ इसको। ये तो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, देखो इसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसको ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा मून फेंका है, और ये और देखा आपने इसके ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड थी, और वो प्रोटेक्टिव शील्ड तोड़ के तो मून अंदर चला गया। अब इसको वाकई डैमेज हुआ है, क्योंकि इसकी जो पूरी प्रोटेक्टिव शील्ड थी वो सारी साइड डिस्ट्रॉय हुई थी। अब मैंने एक और मून फेंका है, और ये देखो ये वो प्रोटेक्टिव शील्ड ने मून को रोक लिया है। तो इसके ऊपर वाकई को बहुत ज़बरदस्त किस्म प्रोटेक्टिव शील्ड, और चांद वापस हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे बचना बचना बच 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 गया मैं। अपने हम लोगों ने जो सेटेलाइट थी उससे कुछ आ रही है, और मैं एक और मून फेंक रहा हूँ, और मैं दो तीन इकट्ठे फेंक रहा हूँ ताकि वो शील्ड को मिल के डिस्ट्रॉय कर सकें। ये देखो उस शील्ड की वजह से उल्टा ये मून ही डैमेज होकर वापस जा रहे हैं, प्लैनेट को टच ही नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट टाइम ये था कि हमारे स्टोन जो थे वो जाके मून को टच कर लेते थे इस प्लैनेट को, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी ज़्यादातर मैं मून से इकट्ठे फेंकता हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि हाँ देखो अब वो उन्होंने इकट्ठे जब गए, इकट्ठे इंपैक्ट हुआ और उन्होंने उसके मून को डिस्ट्रॉय किया, और उसके अंदर ये सेंटर में कुछ ही घूम रही है। मुझे लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी को हमें डिस्ट्रॉय करना है। देखा वो फिर से ना उसने शील्ड को एक्टिवेट कर दिया, तो शायद वही है जो शील्ड के ऊपर सारा सारा काम कर रही है। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है इसको ना, लेकिन ये कि हम कुछ ना कुछ करेंगे सही। अब मैंने ब्लैक होल इसके ऊपर छोड़ना शुरू किए हुए, और नहीं अरे जितने भी मैंने मैं उसके ऊपर ब्लैक होल्स भी भेजे हैं, लेकिन किसी ने भी उसके शील्ड को नहीं तोड़ सके ये। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको, हम लोग मुख्तलिफ तरह के इसके साथ काम करते रहेंगे। फिर भी ये ब्लैक होल ये टूट गई, ये देखो अब मेरे ब्लैक होल ने वो उसकी शील्ड तोड़ी थी, तो मैंने और उसके ऊपर ब्लैक होल्स भेज दिए हैं ताकि वो मैक्सिमम कर ले। और इस टाइम अरे यार फिर होगी वो, ये बहुत जल्दी शील्ड इसके द्वारा वापस आ जाती है। अब बेसिकली मुझे ये लगता है कि जो इसके अंदर एक चीज़ घूम रही है ना, इसी को हमें डिस्ट्रॉय करना है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर हमें शायद कोई इशू ना हो, फिर ये इसको तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको थंडर स्ट्राइक करूँ, ये थंडर स्ट्राइक किया इसके मैंने, और अभी तक शील्ड इसकी एक्टिवेट हुई थी, और मैं ये चाह रहा हूँ उसकी शील्ड किसी तरीके से टूट जाए। नहीं फिर भी नहीं टूटे, इतनी ज़्यादा थंडर स्ट्राइक भी की है उसके बावजूद उसकी शील्ड ब्रेक नहीं हुई है। तो बेसिकली मुझे लगता है ये अभी अभी टूटी, अभी टूटी है। अरे ज़बरदस्त, ये देखो ये देखो अब शील्ड ने उसका किया क्या, पूरा प्लान शील्ड ऐसी टूटी है, तो थंडर स्ट्राइक ने पूरा का पूरा प्लानट डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हाँ देखा प्लानट ख़त्म हो गया, थोड़ी सी जगह रह गई है, लेकिन वो अंदर जो एक चीज़ घूम रही है उसने दोबारा उसके ऊपर शील्ड एक्टिवेट कर दी थी। अभी मैं बहुत सारे मिसाइल इसके ऊपर भेज रहा हूँ, लेकिन वही है कि वो शील्ड के वो शील्ड की वजह से ही वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और वो उसकी जगह तक पहुंच नहीं रहे हैं। नहीं इसके ऊपर बहुत सारे मुझे इकट्ठे लगता है भेजने पड़ेंगे, जब सारे भेजूंगा ना तो ये देखो अभी बहुत ज्यादा इसको स्ट्राइक्स कर रहा हूँ लेजर की, और ये शील्ड टूटे और उसके बाद बॉल भी टूट गई। ये जबरदस्त, अब देखो हमारा प्लेनेट पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, जो अंदर उसकी बॉल रोटेट कर दी वो भी खत्म हो गई, और साइडों पे भी खत्म हो गए, बस थोड़े से मैसेज रह गए। तो इन थोड़े से मैसेज को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है मेरे लिए, मैं डिफरेंट टाइप की चीज़ें फेंक के तो इनको डिस्ट्रॉय कर लूँगा, जैसे कि मैंने अभी मिसाइल ही फेंका है। लेकिन वो जो हमारी सैटेलाइट थी वो वहाँ जाके रुक क्यों गई है? अभी ये इसमें इसके लिए लोड हो रही है, देखो ये वो लोड हो रही है, और ये लेजर सारी की सारी निकली इसमें से, लेकिन वो अरे नहीं फायदा नहीं हुआ इसका। असल में मैसेज बहुत थोड़े रह गए हुए, तो हमारे वो सैटेलाइट से जो लेजर निकली थी उसका कोई खास फायदा नहीं हो सका हमें। नहीं वो नहीं टूटे, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये जो बाकी मैसेज थोड़े बहुत रहते हैं इनको सबको डिस्ट्रॉय करते हैं यहाँ से। ये देखो मैं डिफरेंट सैटेलाइट्स भेज रहा हूँ इसके ऊपर, तो
डिफरेंट एरियाज में भेज रहा हूँ, तो उम्मीद है कोई ना कोई जरूर टकराएगी इनके साथ जाके। ये देखो ये सारी की सारी चार्ज हो रही हैं और सब ने लेज़र भेजी है इसके ऊपर, लेकिन लेज़र साइड से निकल गई है, सारी लेज़र उसमें शो की साइड से निकल गई हैं, कोई भी उसको टच नहीं कर रही है, बहुत स्कैटर्ड किस्म का मैस है उसका। तो चलें हम लोग नेक्स्ट प्लान लेकर आ गए, ये है सैटर्न। सैटर्न का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती होती हैं, इसके साइडों पर ये एक ना बादल सा होता है और इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ये होगा कि कुछ ना कुछ मैसेज डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और ये बैलून की तरह छोटा होता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टोन फेंकें, ये पहला स्टोन जा रहा है, जैसे मैं लास्ट टाइम किया था वो प्रैक्टिस में इसका करके देखते हैं, वो देखो स्टोन लगा और एब्जॉर्ब हो गया। ये देखो यही बात मैं कह रहा था कि इसका जो भी चीज़ फेंकते हैं ना उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अभी इसके ऊपर ज़्यादा फेंक के देखते हैं, ये पहले मैंने अर्थ फेंकी है, हालांकि अर्थ मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये गेम मुझे इसमें अच्छी नहीं लगती है कि इसके अंदर आपको अर्थ को फेंकना पड़ता है, समटाइम अर्थ थोड़ा स्ट्राइक करना पड़ता है। देखो अर्थ उसके अंदर घुस की गई है, अर्थ उसको डैमेज दिया है और दूसरी साइड से देखो कुछ मैस निकला है ऐसे ही, लेकिन वो फिर से बंद हो गए दोनों साइड उसकी। देखा वो सेल्फ हीलिंग टाइप है, लेकिन अगर आप देखें साइडों पर स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा मरवा डिफरेंट मैस आना शुरू हो गया है, तो ये कि टूट के निकलता है ऐसे ही लेकिन अपनी शेप रिटेन करता है। तो अब मैं ज़्यादा अर्थ भेजूंगा इसके ऊपर ताकि ज़्यादा डैमेज हो इसको, और इसका वेट जितना ज़्यादा कम कर सकता हूँ उतना ज़्यादा कम कर लूँ मैं। अब ये बहुत सारे मैं इसको अर्थ भेजता जा रहा हूँ, भेजता जा रहा हूँ, और देखो कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है उसको, वो देखो, और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहा है और अर्थ आगे से निकल भी रही है। इसमें लास्ट टाइम दिए थे अर्थ बीच में डिजॉल्व हो गई थी, अभी इसने काफ़ी सारा डैमेज दिया है, और अब स्पेस में देखें स्पेस में कितना ज़्यादा इसका मैस डिस्ट्रॉय होकर फैल भी गया, लेकिन उसने अपनी शेप दोबारा से हील कर ली है। हाँ उसने शेप ने हील कर ली, मुझे लगता है शायद इसका वेट कम हुआ है कुछ ना कुछ ना। तो चले अभी हमने इसके ऊपर भेजी है दोबारा से सैटेलाइट्स अपनी जो कि लेजर पावर्ड होती हैं, और उसके ऊपर फायर करेंगे डिफरेंट टाइप के। हाँ इसको डिस्ट्रॉय करना वाकई मुझे लगता है मुश्किल है, जैसे मैं लास्ट टाइम था ना वो डिफरेंट प्लैनेट था उसको फिर भी मैंने डिस्ट्रॉय कर लिया था, लेकिन इसको शायद मुश्किल हमारे लिए, फिर भी लेट्स ट्राई। अब इसके ऊपर हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर 10 के करीब तकरीबन सेटेलाइट सारी की सारी जा रही हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, ये देखो हमारी पहली जो है उसको टच करने वाली है, और ये देखो एक तरफ फायर कर रही है, ये लेजर फायर कर रही है उसके ऊपर, लेकिन इसको का कोई खास फायदा मेरे ख्याल हो नहीं रहा है इसको। हाँ अब हम लोग डिफरेंट टाइप की बॉल्स दोबारा से फायर करना शुरू किए हैं, शायद उसको कुछ असर हो, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा इसको। हाँ वो सारी सारी जॉर हो गई है, वो कुछ भी नहीं है इसको। तो अभी हमने क्रिसमस ट्री भेजे है इसके ऊपर करना तो कुछ नहीं होता, आम क्रिसमस ट्रीज होते हैं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं ये। अच्छा इसमें जो भी जितनी चीज़ें मैं भेज रहा हूँ मैंने देखा कि ऐसे वो करीब जाती है तक स्लो डाउन हो जाती है, इसकी पता नहीं क्या वजह है, शायद इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से उनका मोशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये देखो ट्री सारे के सारे उसके अंदर घुस से जा रहे हैं, और वो सब सुपर वाले देखें ये जो ऊपर जा रहे हैं उसको लग के रिफ्लेक्ट हो गया था, वो राइट साइड वाले भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये देखें ये सारे के सारे रस्ते बंद हो गए और ट्री सारे के सारे उस सैटर्न के अंदर चले गए, कोई भी बाहर नहीं निकल सका, इसको मेरा ख्याल से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम लोग, कुछ इसका और सोचना पड़ेगा। अच्छा ये देखो एक ट्री बाहर निकल आया इसमें से, हाँ ये देखो दूसरा ट्री निकल आया, तीसरा ट्री, ये चौथा ट्री, ट्रीज बेसिकली जो हमने इसमें फायर किए थे सारे के सारे एज इट इज बाहर निकलते जा रहे हैं, लेकिन ये कि वो उसको दोबारा से हील हो गए हुए। अभी हमने इसको हाइड्रोजन बॉम्ब फेंका है, अब ये देखते हैं, ये देखो ये हमारा एक ऑक्टोपस है और उसने उसको डैमेज जरूर दिया था लेकिन वो फिर से हील हो गया। मुझे अभी लग रहा है शायद ये साइज में स्मॉल हो गया, अगर आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि वाकई छोटा हो या मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब इसके ऊपर डिफरेंट वेपन्स ट्राई करते हैं, अभी इसके ऊपर देखिए मैं डिफरेंट हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह भेज रहा हूँ जो कि वो भी ऑक्टोपस पावर्ड है, और देखते हैं ये ऑक्टोपस क्या करती है उसको। तो ये देखें ऑक्टोपस वगैरह ने इसके सारे शेल को डैमेज करना शुरू कर दिया है मुख्तलिफ जगह से, और वो उसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं एंड पे जाके कि क्या ये डिस्ट्रॉय होता भी है या दोबारा से हील कर लेगा खुद को।
ये अभी तक हम इसके ऊपर मुसलसल हमले करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। जब ये सारे के सारे कंप्लीट होंगे फिर हम एग्जैक्ट नहीं, वो देखो जो हमने बैक साइड भी किए थे वो सारे के सारे दोबारा से हील हो गए हुए हैं। उसको डैमेज ज़रूर होता है लेकिन वो फिर भी खुद को हील कर लेता है, कुछ शायद कुछ करना और पड़ेगा। लेकिन ये कि छोटा ज़रूर हुआ है, मुझे ये यकीन है, बिकॉज के साइड में देखें जो रिंग्स है रिंग्स छोटे हो गए हुए हैं, तो इसको फिर शायद हमें डिस्ट्रॉय करना ईजी होगा क्योंकि छोटा तो जा रहा है। जब ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए और काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको मुसलसल अटैक्स करते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है इसका। ये देखें अभी जूम इन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये काफ़ी सारा छोटा हो गया हुआ है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। इसके कुछ और टेक्निक सोचनी पड़ेगी मुझे। अभी देखो इसके क्रैक्स विजिबल हो रहे हैं, पहले क्रैक्स नहीं थे, अब क्रैक्स विजिबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रॉय होने के करीब ही है। तो अभी जरा इसको दोबारा फेंक के देखते हैं हम लोग। हाँ अब देखो ये चीज़ देखो, अब उसके ऊपर में डिफॉर्मेशन हुई है। अब उसके एब्जॉर्ब करने में कैपेबिलिटी जो कम हो गई थी, तो अब इसके ऊपर हम जो भी डैमेज करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये देखा आपने, वो एक साइडों पर जिसका रिंग था पूरा वो रिंग भी खत्म हो गया, जो कि उसको काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रहा था, वो ना होने वाले टाइप रहेगा वह। अब इसके ऊपर जी थोड़े से फेंक रहा हूँ, फिर देखते हैं। अब ये देखें अभी बहुत ज़्यादा इसको डैमेज दे रहे हैं, तो अब इसको ना मेरे ख्याल अर्थ फेंकते हैं इसके ऊपर, फिर देखते हैं क्या होता है। और मेरे ख्याल है अर्थ उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करना चाहिए इसे। तो ये देखें ये अर्थ भेज रहे हैं हम लोग। हाँ अभी देखो इसका साइज काफ़ी ज़्यादा करीब करीब हो गया था, पहले हमारी अर्थ बहुत छोटी थी, अभी देखो अर्थ ने इसको कितना ज़्यादा डैमेज दी है। उस काइंड ऑफ स्पेस में देखो कितना ज़्यादा मैस सारा फैल गया हुआ, देखा उसमें छोटे पीसे छोटे चंक्स बहुत ज़्यादा निकले थे उसमें से, आप देखो छोटे नहीं थे बहुत बड़े थे लेकिन ये फिर भी निकले बहुत थे। ये देखो कितना ज़्यादा मैस डिस्ट्रॉय हुआ है इसका, ये हमने पूरे पूरे प्लैनेट इसको भेज दिए अर्थ के, और इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो रही है। तो लेकिन अभी तक हमारे अर्थ जो है अपोजिट साइड से निकल नहीं पाई है, तो इसके ऊपर हम लोग और अटैक्स करते जाएंगे देखेंगे कि आखिर ये कहाँ तक इसको डैमेज देते हैं। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा बहुत खुद को हील करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उतना हील नहीं कर पा रहा है। ये देखो अब इसके अंदर होल एक थ्रू होल हो गया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब इसके ऊपर डिफरेंट हम लोग बॉल्स फेंक रहे हैं। ये सारे बॉल रिफ्लेक्ट होकर बाहर इसको डैमेज नहीं दे रहे हैं, हम लोग समझे थे एक्सप्लोसिव बॉल्स में बॉल्स जो है कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन नहीं, इन्होंने इसको कुछ भी नहीं कर सके। नहीं इनका फायदा नहीं हुआ। अभी जितने बॉल्स होंगे इन सबको बाद में फायर करेंगे तो ये ब्लास्ट जरूर करेंगे लेकिन कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, वो स्टिक नहीं कर रहे हैं बेसिकली। अगर स्टिक कर जाते हैं फिर बहुत ईजी होता है, वो स्टिक नहीं कर रहे हैं बल्कि स्टिक करने में लगते हैं लगे रिफ्लेक्ट रहते हैं, तो अगर स्टिक कर जाते हैं तो हमारी बहुत आसानी हो जाती है। अब इन सबको इकट्ठा फायर कर सकते हैं, इकट्ठा फायर करते तो एक बड़ा जॉइंट किस्म का ब्लास्ट होना था और इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय डैमेज हो जाना था लेकिन हुआ नहीं है। अब ना ये सारे बॉल्स का वेट करते हैं जरा कि स्पेस में से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस इसके ऊपर आए और इसको ऊपर स्टिक करते हैं। तो हाँ इसके बॉल्स अच्छा देखो उसके बॉल्स इकट्ठे होते जा रहे हैं प्लस उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब इसको डैमेज परमानेंट हो रहा है अभी ना, तो ये डैमेज हाँ ये इसको ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। ये बॉल्स देखो सारी उसकी साइडों में बॉल्स स्टिक करते जा रही है, उसके अंदर भी बॉल्स हैं। तो अभी सारे हमारे जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब थे सबको हम इकट्ठा फायर करेंगे। अभी देखो बहुत ज्यादा बॉल्स अभी तक भी स्पेस के अंदर ही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, इसको सारे इसका स्टिक नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इससे पहले कि इसके ऊपर आकर बैठ जाएं। अब मेरे ख्याल काफी है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर है, अभी उसको हम फायर करने लगे हैं कि फायर करेंगे और फिर देखेंगे कितना बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो सारा का सारा ब्लास्ट मुझे उम्मीद है कि इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होगा। तो ये देखो ये हम रॉकेट इसको फायर कर देंगे, देखो रॉकेट हमारे जा रहे हैं सारे के सारे जाके उसको टकराएंगे जो हमारे वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और ये देखो कितना ज़्यादा इसका ब्लास्ट हुआ है, है? ये देखो इसको तो खास डैमेज ही नहीं हुआ, मुझे थी कि ये एक एक जो हमारा बॉम्ब था ये दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ा है लेकिन हुआ कुछ भी नहीं उसको। अब थोड़े बड़े रॉकेट्स हम फेंक रहे हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि तो ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है अभी लेकिन डैमेज उतना ज़्यादा शायद नहीं हुआ है इसको फिर भी।
लेकिन ये हम बहुत ज्यादा फेंकते जा रहे हैं तो उम्मीद है काफी ज्यादा उसको डैमेज हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम हमारी वो न्यूक्लियर पावर्ड ऑक्टोपस थी जिन्होंने ब्लास्ट किए थे जाके और इसको काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय किया था, तो उम्मीद है अभी ये हमारे रॉकेट्स भी जो है जाके इसको डैमेज काफी ज्यादा देंगे। मुझे लग रहा है इसका वेट काफी ज्यादा कम हो रहा है, इसका मैस फैलता जा रहा है टूट के स्पेस में। और ये देखो ब्लास्ट बहुत ज्यादा इसके ऊपर हो चुके हैं अभी तक, लेकिन अभी तक फाइनल शेप नजर नहीं आई हमारे पास। अरे ये देखो यहाँ से साइड से उसके ऊपर तो बहुत थोड़ा सा मैस रह गया उसका, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज उसको हो चुका हुआ है। और आज तो हम सैटर्न को बिल्कुल गायब ही करने वाले हैं, यहाँ कुछ भी बचेगा नहीं। सैटर्न के साइडों पे जो रिंग्स है वो खत्म हो गए हुए हैं और सैटर्न का मैस भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। देखिए इतने ज़्यादा इसको हमने बॉम्ब्स फेंक दिए हुए हैं, इतने ज़्यादा मिज़ाइल भी हमने फायर कर दिए इसके ऊपर। तो अभी तक रॉकेट देखें वहाँ ब्लास्ट कर रहे हैं और रॉकेट वहाँ जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कुछ भी बचना नहीं चाहिए इसके ऊपर। अभी एक दफ़ा क्लियर होना कि क्या पोजीशन बन रही है। तो अगर आपको हमारी गेम पसंद आ रही है तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा वैसे कि आपके एक्सप्रेशन क्या थे इसके बारे में। और ये देखो पूरा का पूरा प्लेनेट सैटर्न डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, ये देखो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया वहाँ पे, तो अब कुछ भी नहीं बचा उसका। तो ये होगी हमारी गेम लाइक कम्प्लीट, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी गेम देखने के लिए मज़ीद भी हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें।